हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुछ नया सीके चैनल। आप यहां देख सकते हैं अनबॉक्सिंग, टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन रिव्यू, ऑनलाइन अर्निंग एंड मनी मोर वीडियो। तो वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं जसविंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे फेसबुक पेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज क्या है, फेसबुक पेज का क्रिएटर स्टूडियो क्या है, उसमें वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है और उसमें वीडियो के जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, कस्टम थंबनेल कैसे लगाए जाते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी, आपको फेसबुक पेज पर वीडियो करने का सही तरीका क्या है, कैसे इन सबको लगा करके अपने वीडियो को वायरल किया जाता है, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सब कुछ A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो, और वहाँ से आप डेस्कटॉप साइड में उसे ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद में यहाँ पर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो सर्च कीजिए। उसके बाद में सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर पहला लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं साइड में, ये हमारी कुछ पहले की जो पोस्ट हैं वो हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्रिएटर स्टूडियो है जो कि फेसबुक पेज का है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है होम, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी और इनसाइट्स, इनबॉक्स, मोनेटाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, जैसे हमारा यूट्यूब का जो क्रिएटर स्टूडियो होता है उसी तरीके से यहाँ पे ये क्रिएटर स्टूडियो है। और यहाँ से आपको सही तरीके से आपको अपना वीडियो अपलोड करने का एक तरीका मिल जाता है और अपने वीडियो को वायरल करने का। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो भी पेज हैं यहाँ पर शो होंगे, जो कि एक हो, दो हो, चार हो, दस हो, जो भी आपके पेज हैं वहाँ पर एक साथ में शो होंगे। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आपके यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, वही यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए, एक अपलोड करने का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वीडियो अपलोड यहाँ पे आपको करना है तो सिंगल वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको गैलरी में ओपन करना है, जो भी जहाँ पे भी आपका वीडियो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप गैलरी में जाते हैं, गैलरी में जाके देखिए यहाँ पर एक मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर वो वीडियो है जो कि होली का है। आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये अपलोड करके दिखाऊँगा आपको। तो जैसे ही हमने उस वीडियो के ऊपर टैप किया, यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पेज हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कौन से पेज पर वीडियो अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल चुन लेते हैं अपना कुछ नया सीखें पेज। तो यहाँ पर हमने ये पेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, जो कि वीडियो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है और यहाँ पे हमारा कीबोर्ड भी ऑटोमेटिक खुल गया है, जो कि आपको यहाँ पे कुछ टाइटल लिखना होगा और डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, टैग वगैरह। तो यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर टैग, और यहाँ पे पहले इस कीबोर्ड को निकाल देंगे। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे कितना परसेंटेज हुआ ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकेंगे, आपका कितना बड़ा वीडियो है, कितना MB का है, कितना साइज़ का है और कितना परसेंटेज आपका अपलोड हो चुका है, कितना अभी बाकी है। तो चलिए इसे अपलोड होने देते हैं और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको हम पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे डालना होगा अपना टाइटल, जो भी आपका वीडियो है, जो भी आपने वीडियो बनाया है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे टाइटल डालना होगा। तो यहाँ पे हम पहले टाइटल डालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर टैप करेंगे तो हमारा कीबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपना टाइटल। तो टाइटल आपको डालना होगा, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप
YouTube पर जैसे टाइटल डालते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर टाइटल डालना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल एक छोटा सा वीडियो है होली का, तो मैं यहाँ पे हैप्पी होली एवरी वन डाल देता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके दोस्त हों। तो ये एग्जांपल हमारा टाइटल हो गया, इस तरीके से आपको टाइटल डाल देना है। और उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो भी आपका वीडियो होता है आपने वीडियो में क्या बताया है, किस टॉपिक पे वो वीडियो है, वीडियो के अंदर क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना होता है अपने लोगों को। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आगे की जो मोनेटाइजेशन के जो भी वीडियो आएंगे, जो भी इससे भी जो फेसबुक पेज के रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। दोस्तों अगर आपके पास फेसबुक का पेज नहीं है या फिर आपके पास फेसबुक का पेज है लेकिन वो उसके वीडियो वायरल नहीं होते हैं, तो आपको ऊपर आई के बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से फेसबुक का पेज बनाने का सही तरीका क्या है, सही तरीके से ही आप फेसबुक का पेज बनाइए और आपके वीडियो 100% वायरल होंगे और आपके फॉलोवर भी बढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो आप भी देख सकते हैं, ऊपर आई के बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है जैसे फेसबुक पेज से कुछ रिलेटेड या फिर मोनेटाइजेशन से कुछ रिलेटेड या फिर फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपका कोई सवाल है फेसबुक पेज से कुछ भी रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि उसका प्रॉब्लम इस तरीके से हल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमने लिख लिया है अपना डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद इसके बाद में आपको यहाँ पे एक टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे टैग डालने हैं। तो टैग कैसे डालने हैं चलिए ये भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे तो उसके बाद में थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये जो क्रिएटर स्टूडियो है थोड़ा आपके मोबाइल में स्लो चल सकता है, मेरे मोबाइल में स्लो चलता है, तो हो सकता है स्लो चलता है, लेकिन आप 2 मिनट की जगह 3 मिनट ले लीजिए, लेकिन यही सही तरीका है आपको वीडियो अपलोड करने का। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा होली का जो वीडियो था अब उसी से रिलेटेड हम इसमें टैग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक टैग हो गया होली, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 2019, तो ये भी हमने डाल दिया। ये देखिए आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे आपका कीबोर्ड आता है और यहाँ पे जो भी कुछ भी आप हम यहाँ पे टाइप करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे और एक डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने, चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नाम डालता हूँ जसविंदर परमार। और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो लाइन आया, जो बार आ गया, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका टैग बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया, तो इस तरीके से यहाँ पे ये टैग बन जाता है यहाँ पे। और एक डाल देते हैं, अपने पेज का नाम डाल देते हैं कुछ नया सीखें, और फिर यहाँ पे ब्लू कलर आ गया, उसके ऊपर आपको टैप कर देना है यानी क्लिक कर देना है, तो आपका वो टैग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी टैग लगाना चाहें अपने वीडियो में, टैग लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। जो भी फेसबुक पेज पे कोई सर्च करता है आपका पेज या फिर कोई वीडियो, तो आपका पेज और आपकी वीडियो दोनों ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको और एक आइडिया देता हूँ आपको, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग लगा के अपने पेज का नाम ज़रूर डालना है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हैशटैग डाल के अपना पूरा पेज का नाम डाल लीजिए बिना स्पेस छोड़े। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी यहाँ पे भी जितने भी वीडियो पे आप हैशटैग लगा करके अपना पेज का नाम डालेंगे, तो वहाँ पे आपका जो भी उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो आपके वो सारे वीडियो आ जाते हैं जो भी आपने हैशटैग लगाया है जिसमें। तो ये हमारा टैग लगाने का ऑप्शन ये भी पूरा हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना सकते हो, जैसे हम यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी अपना प्लेलिस्ट बना करके उसमें वीडियो ऐड कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो भी उस प्लेलिस्ट में जाता है तो सारे सारे आपके वीडियो मिल जाते हैं और वो एक एक करके सबको देख लेता है। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग लगाने का, ये सब हो गया फाइनल। और अब इसके बाद में और एक दूसरा ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सब टाइटल, कैप्शन और पोल, जो भी आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे पोल भी यूज़ कर सकते हो। तो
अब बात करते हैं थंबनेल की। तो अब आपको कस्टम थंबनेल कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए थंबनेल के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है। आप किस तरीके से कौन सा थंबनेल चाहते हो वही थंबनेल यहाँ पे लग सकता है। तो ये तो आ जाता है आपका वीडियो का जो भी थंबनेल है वो सारे के सारे यहाँ पे बीच में से या फर्स्ट में से या लास्ट में से कहीं से भी आप ये आप थंबनेल अपना लगा सकते हो, या फिर आपने पहले से कोई बना रखा है तो यहाँ पे ऐड इमेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप अपने गैलरी में पहुँच जाते हो और गैलरी में जो भी आपने थंबनेल बनाया है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका कस्टम थंबनेल। अगर आप अपने वीडियो में से ही कोई थंबनेल डालना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे नीचे, या फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके आप पूरे वीडियो में से कहीं से भी आपको जो पसंद आ रहा है तो वहाँ से भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ से जहाँ पे भी आपको चाहे तो वहाँ से भी आप, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा ये थंबनेल बन गया। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, अगर आपको एक एक सेकंड का जो वीडियो में कुछ मतलब रहता है थंबनेल अगर उसमें से आप लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाता है। आप बारीकी से यहाँ पे एक एक सेकंड के हिसाब से अपना थंबनेल चूज़ कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वीडियो बार आ गया, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से कहीं से भी अगर आप चाहो तो यहाँ से आप थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो आप कस्टम थंबनेल अगर लगाना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप कस्टम थंबनेल भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये होली वाला लगा देता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है तो यहाँ पे मैं यही लगा देता हूँ फ़िलहाल में। तो ये देखिए हमारा होली वाला जो थंबनेल था वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप थंबनेल भी आसानी से लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए और ऑप्शन मिल जाते हैं, सबटाइटल, कैप्शन, पोल्स। अगर पोल्स में अगर आप कोई पोल्स लगाना चाहते हो तो आप पोल्स भी लगा सकते हो। आपको अपने व्यूअर्स को अगर कुछ पूछना है यस या नो में तो आपको दो बटन मिल जाते हैं, अगर वो यस पे या नो पे क्लिक करता है जैसे हम अपने यूट्यूब में पोल्स लगाते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे पोल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और मज़ा भी आते जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अब देख लेते हैं हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे हम साइड में देखेंगे, लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन जैसे मैंने बताया था पहले यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है, यानी इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में अब आप आ जाते हैं दूसरे स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए ये पब्लिश नाउ पे आपको यहाँ पे चेक कर देना है, वो पहले से ही है, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे प्राइमर के और शेड्यूल के और उसके बाद में बैक डेट के या सेव ड्राफ्ट में। तो यहाँ से आपको तो पब्लिश करना है तो आप पब्लिश पे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले इन वॉच यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। आपको इन सबको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि यहाँ से आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ये डिफ़ॉल्ट रहता है। और यहाँ पे आपको अपने और पेज मिल जाते हैं जो कि अभी हमारे 3 पेज बाकी हैं। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपको यही वीडियो उन 3ों पेज पे भी अपलोड करना है तो आप यहाँ से उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि ये होली का वीडियो तो हम किसी पे भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो मैंने चारों जो 1 पेज है और 3 पेज है ये चारों पे एक साथ पब्लिश हो जाएगा। तो और यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे उनको कुछ फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे ये भी हमारा हो गया पूरा। अब इसके बाद में हमको करना होगा, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम जाएंगे पब्लिश में। तो अब हम इसको पब्लिश कर देंगे, ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अब आगे हम स्टेप 3 में, जो तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अभी इसका प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड होने के बाद में फिर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कोई कॉपीराइट म्यूजिक तो नहीं है, कॉपीराइट इमेज तो नहीं है, तो वो चेक करते हैं वो लोग। तो ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही होता है और होने के बाद में ये देखिए पब्लिश हो गया और ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया।
अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे जो कि हैशटैग लगाया था, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ब्लू कलर में, तो ये इससे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ये ब्लू कलर में एक लिंक जैसा बन जाता है, तो जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो उसको सारे के सारे वीडियो मिल जाते हैं जिस वीडियो पे हमने हैशटैग लगाया था। तो हो सकता है वो बंदा उन सारे वीडियो को भी देख ले, तो इस तरीके से आपका वीडियो वायरल होता है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये सारे के सारी हमारी जो पोस्ट थी, जो भी हमने हैशटैग लगाया था, वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप हैशटैग ज़रूर लगाइए अपने डिस्क्रिप्शन में, या तो ऊपर लगाइए, ऊपर ही लगाइए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर होगी तो सबसे पहले वो शो हो जाती है, तो आप ऊपर ही लगाइए। तो बैक चलते हैं और यहाँ पे आ गए हम फिर अपने उसी पेज पर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप अपने वीडियो को अच्छी तरह से अपलोड कर सकते हैं, जो कि वायरल भी होगा और वो आपके सर्च में भी आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपका ऐसा ही कोई क्रिएटर दोस्त है तो उसको आप शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक देखते रहिए सीखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।